बोलो जी। अज जथेदार साहब अकाल तख्त साहब श्री ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने बयान दिता, वो मैं समझना बड़ी मंदभागी गल है। उन्होंने उसकी दोबारा विचार करना चाहिए कि सिखां नूं वधिया वधिया हथियार रखने चाहिए। और उधर कुछ हिंदू संगठनों ने भी बयान देता कि हिंदुओं नूं भी खतरा बयान रखने हथियार रखने चाहिए। मैं समझदा ये बड़ी समाज च कड़वाहट वधाउण वाली गल है। और पंजाब बड़ा शांत प्रदेश है, गुरु नानक की धरती है। मानस की जात सभे एके पहचान वो, सारे इत्थे एक ने, हिंदू सिख मुसलमान किसी कोई भेदभाव नहीं और किसी को कोई खतरा नहीं। और मोदी जी की लीडरशिप के अंदर इत्थे सिख प्रधानमंत्री जी, सिख राष्ट्रपति, उन्होंने कदे भी इस तरह के काम नहीं किए जो सिखां दे लई और सिख संस्थावां दे लई मोदी साहब ने किए ने। अज साहिबजादियां दा शहादत का जिहड़ा नमन करना और उसनों पूरे देश के अंदर मन मानना, ये 75 साल किसी ने नहीं किया। और फिर करतारपुर साहब कोरीडोर का, फिर सिखां दी काली सूची खत्म करनी जो 36 साल करा चली सी आ रही। जे मोदी जी दे हुंदे होए सिख जां हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मैं समझदा कि फिर तो कितने भी दुनिया सुरक्षित नहीं। जिते खतरा हैगा पाकिस्तान च ननकाणा साहब का नाम बदलने की गल करते, जिते होर खतरे ने सिखा दी बच्चियां नूं उठा लेंदे ने, मैं समझदा बड़ी मंदभागी गल है। उहदे लई गल करनी चाहीदी है और इहदे लई तां प्रशंसा करनी चाहीदी है प्रधानमंत्री जी दी और इस देश की। और ये देश सिखां दा देश है और ये देश हिंदुओं का देश है, सारे ही असीं भारतीय हैं, इत्थे रह रहे हैं। मैं समझदा जथेदार साहब इत्थे दोबारा गौर करता हूँ। बोलो जी। अज जथेदार साहब अकाल तख्त साहब श्री ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने बयान दिता।